नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं अनुराग सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको C.M.help नाइन नंबर 1076 के बारे में बताऊंगा, जिसे दिया गया है यूपी वासियों को CM आदित्यनाथ योगी के द्वारा। इस नंबर का उपयोग करके आप 24 घंटे किसी भी वक्त अपनी समस्या से प्रशासन को अवगत करा सकते हैं और एक महीने में समाधान पाने की उम्मीद कर सकते हैं। वैसे तो इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग बहुत व्यापक है, लेकिन इसका जो मुख्य उपयोग है वह है कि आप इसके द्वारा भू माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकारी या आपकी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है तो आप 1076 का प्रयोग करके CM हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत का समाधान पा सकते हैं। लेकिन क्या यह CM हेल्पलाइन नंबर उपयोगी है या यह एक बोझ है यूपी की जनता पर? क्योंकि CM हेल्पलाइन नंबर, जो कस्टमर केयर का नंबर मैंने बताया 1076, वहाँ पे करीब 500 कर्मचारी हैं, 500 फोन अटेंडेंट हैं जो 24 घंटे आपका फ़ोन रिसीव करते हैं। जरा सोचिए कि 500 लोगों की मासिक तनख्वाह कितनी होगी। अगर 10,000 के हिसाब से भी जोड़ा जाए तो महीने का 50 लाख रुपये आता है और लगभग इतने ही ऑफिस के दूसरे खर्चे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। लगभग 1 करोड़ रुपए तक का महीने का खर्च आ जाता है और 1 करोड़ रुपए खर्च करने से जनता को क्या फ़ायदा होता है? क्योंकि यह जो खर्च होता है वो जनता के पैसे से ही खर्च किया जाता है, एक तरह से जनता के ऊपर लोड ही है। तो फिर आखिर इससे जनता को फ़ायदा क्या है? अगर आप शिकायत दर्ज कराते हैं किसी भू माफिया के खिलाफ तो फोन अटेंडेंट आपसे पूछेगा आपका नाम, गाँव का नाम या आपका पूरा पता, और साथ ही साथ उस ज़मीन का नंबर जिस पे कब्जा किया गया है और कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम। लेकिन आप खुद भी अगर बताना चाहेंगे कि कब्जा करने वाले व्यक्ति के बाप का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, तो फ़ोन अटेंडेंट जो 1076 पे आपका फ़ोन रिसीव करता है वो बाप का नाम दर्ज नहीं करेगा और आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी। और प्रायः होता ऐसा है कि जब शिकायत जांच के लिए अधिकारी तक पहुँचती है तो अधिकारी सिर्फ और सिर्फ इतना कह के पत्ता झाड़ लेते हैं कि कब्जा करने वाले व्यक्ति के नाम के कई व्यक्ति उस स्थान पर पाए गए, कब्जा करने वाले नाम का जो व्यक्ति आपने दिया है उस नाम के कई व्यक्ति उस स्थान पर पाए गए, पिता का नाम अस्पष्ट न होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, फिर ऐसी शिकायत दर्ज करने का क्या फ़ायदा? और फिर मान लीजिए कुछ कार्रवाई होती है कभी और आवेदक असंतुष्ट रहता है और असंतुष्टि का फीडबैक देना चाहता है, तो वह चाहे तो खुद भी फ़ोन करके फीडबैक दे सकता है और नहीं तो CM हेल्पलाइन से फ़ोन आते हैं और बताया जाता है कि आपकी शिकायत का समाधान कर दिया गया है, आप चाहें तो फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप फीडबैक देते हैं तो फीडबैक में यह, अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन पे आप कारण बताएं कि आप असंतुष्टि के कौन कौन से कारणों से आप असंतुष्ट हैं, तो आपके असंतुष्टि के कारण प्रायः नहीं लिखे जाते। जो फ़ोन रिसीव करता है वो प्रायः कॉपी पेस्ट करता है कि आवेदक असंतुष्ट है और शिकायत को पुनः आगे कार्रवाई हेतु भेज देता है। जबकि आप अच्छी तरह समझते हैं कि अगर आप असंतुष्ट हैं तो असंतुष्टि का कारण बताना भी अनिवार्य है, लेकिन फीडबैक लेने वाला व्यक्ति आपसे असंतुष्टि का कारण नहीं पूछता है और अगर आप बिना पूछते बता देते हैं तो वह हो सकता है आपकी इस बात को सुन ले, लेकिन वह दर्ज नहीं करता है। क्योंकि जैसे ही आपका फीडबैक दर्ज हो जाता है उसके बाद अगर आप अपनी शिकायत को ट्रैक करेंगे तो पाएंगे कि आपकी शिकायत का फीडबैक तो दर्ज कर दिया गया है पर आपके शब्दों को दर्ज नहीं किया गया है, बल्कि एक घिसा पिटा फीडबैक कॉपी एंड पेस्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में CM हेल्पलाइन नंबर का क्या उपयोग है? जबकि IGRS पोर्टल पॉलिसी उपलब्ध है, आप चाहें तो उस पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार पूरा वाकया का वर्णन कर सकते हैं और कार्रवाई न होने पर असंतुष्टि का फीडबैक दे सकते हैं, वो भी कारणों के साथ। लेकिन अब फिर फ़ोन का क्या महत्व हुआ, 1076 नंबर का क्या फ़ायदा हुआ जिसपे मेरे अनुसार लगभग 1 करोड़ रुपये महीने खर्च हो रहे हैं? तो कहा जा सकता है कि ये उन लोगों के लिए है जो लिख पढ़ नहीं सकते, क्योंकि लिखना पढ़ना नहीं आता, फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पर सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग लिख पढ़ सकते हैं उनकी शिकायत तो ठीक से दर्ज नहीं की जाती है, जबकि पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकता है, उनकी बात को तो CM हेल्पलाइन नंबर 1076 पर ठीक से नहीं लिखा जाता। फिर ज़रा सोचिए, एक अनपढ़ आदमी जो लिख पढ़ नहीं सकता वो 1076 का क्या उपयोग कर सकता है?
अगर आपको मेरी बात सही लगी है या गलत लगी है, जैसा भी आपको लगा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।